आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी झटपट बनने वाले व्रत में खाने वाला नाश्ता, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार यही नाश्ता आप व्रत में बनाकर खाना चाहेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए ये झटपट बनने वाला नाश्ता हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उबले हुए आलू लिए हैं, जिसका हमने छिलका हटा लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़े छोटे साइज़ का आलू लिए हैं, आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आलू ले सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम एक कप सिंघाड़ा का आटा डालेंगे। आप आटा की मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा में बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और साथ में आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और 4 से 5 कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हाथे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आलू थोड़ा गीला लग रहा है तो यहाँ पे सिंघाड़ा के आटा थोड़ा और ज़्यादा डाल के इसका डो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इसे तैयार कर लेना है। अब हाथ को साफ कर लेंगे और इसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि हाथ में चिपकेगा नहीं। तो अब छोटा सा लोई तोड़ लेंगे और इसे गोल गोल शेप देते हुए इसका टिक्की बना के हम तैयार कर लेंगे। तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं, थोड़ा टिक्की की साइज में बना सकते हैं, आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा टिक्की बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सभी टिक्की को बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम सभी टिक्की को बना के तैयार कर लिए। अब चलते हैं इसके फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई पहले से रख दिए थे और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं, जो कि ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके टिक्की को डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई ना करें। तो एक बार में जितना कढ़ाई में स्पेस है उतना ही टिक्की डालें, ज़्यादा ना डालें नहीं तो टूट जाते हैं। अब जब एक तरफ से ये सिक जाएगा तो अब इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है और एकदम से ऊपर से एक क्रिस्पी बन गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार के फ्राई करने में 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही झटपट रेसिपी बनके तैयार हो जाता है। तो सभी लोगों को व्रत में खाने के लिए टेंशन रहता है कि आज व्रत में हम क्या बनाएं और क्या खाएं, जो कि पेट भी भरा रहे और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम हरी चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे, जो कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टिक्की आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तब यहाँ पे हम हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस व्रत में ज़रूर ट्राई करें, आप सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका टिक्की कैसा बना है कमेंट में बताएं और ज़रा से भी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।